खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां खमरिया पुल गांव के पास एक बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में भीषण आग लग गई। इस दौरान 5 लोग आग में जिंदा जल गए। तो वहीं हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आपको बता दें कि कार सवार लोगों को नहीं बचा पाई। और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बस नेपाल से दिल्ली की ओर जा रही थी कि तभी पीलीभीत की ओर से आ रही कार को टक्कर मार दी। बस की टक्कर से पहले तो कार खाई में गिरी और फिर बाद में कार में आग लग गई। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता हरिपाल फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी हरिपाल, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला पीलीभीत के थाना जहानाबाद इलाके के खमरिया पुल का है। बताया जा रहा है कि जो बस है, एक बस टूरिस्ट बस है और ये नेपाल से दिल्ली जा रही थी, और इसी बीच जो कार है वो बरेली से पीलीभीत आ रही थी। और इस बीच जो पुल खमरिया का रास्ता है, बरेली हाईवे है, वहां पर बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत होती है। उसके बाद जो कार है वो खाई में गिर जाती है, और खाई में गिरने के बाद कार में इतनी जबरदस्त और भीषण आग लगती है कि जो कार सवार 5 लोग बैठे हुए थे उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस बीच जो आग लगती है, आग में जल करके ही 5 की मौत हो जाती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।